नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन मार्क्स मैनेजमेंट सिस्टम की, कि एक स्टूडेंट के डाटा जो है ऑनलाइन कैसे चढ़ाए जा सकते हैं, कैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो मैनेज किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है एक्चुअली में स्मार्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वो इसका मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जो कॉलेज के जो डाटा होते हैं, कोर्सेज के अंदर स्टूडेंट एनरोल्ड होते हैं, तो उनके डाटा जो है कैसे जो ऑनलाइन किए जा सकते हैं। तो उसका एक प्रोटोटाइप है जो मैंने डिज़ाइन किया है, और इस बेसिस पर हम लोग जो है प्रोजेक्ट भी डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक क्रेडेंशियल्स इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें एडमिन लॉगिन कर सकता है, टीचर लॉगिन कर सकता है, इवन स्टूडेंट भी अपने मार्क्स जो है वो चेक कर सकता है। तो स्टूडेंट के बेसिस पर भी हम लोग यहाँ पर जो है मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर फैकल्टी रजिस्ट्रेशन है, सबसे पहले फैकल्टी को रजिस्टर किया जाएगा, फुल नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, यूजर नेम, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। इस फैकल्टी रजिस्ट्रेशन में जो फैकल्टी रजिस्टर्ड होगी उसको जो है एडमिन ऑथोराइज करेगा कि ये फैकल्टी जो है ऑथोराइज्ड है मार्क्स मैनेज करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग जो है ऑनलाइन मार्क्स मैनेजमेंट सिस्टम में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन का है, सिंबल है, एक मॉडल पॉपअप में हम लोग इस चीज़ को दिखा सकते हैं, तो एक मॉडल बन जाएगा इस चीज़ के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए, जब एक फैकल्टी लॉगिन हो जाएगी तो वो एक नए स्टूडेंट को ऐड कर सकती है। स्टूडेंट को सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा, तभी उसके मार्क्स जो है हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, कोर्स कौन सा है, सेमेस्टर कौन सा है, ब्रांच। तो यहाँ पर जो मॉडल बनेंगे वो स्टूडेंट का डाटा एक बन जाएगा जो यूजर टेबल में होगा। दूसरा, यहाँ पर रोल भी काम आएगा, क्योंकि स्टूडेंट होगा, फैकल्टी होगी, यहाँ पर एडमिन होगा, तो तीन रोल यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में एक टेबल और बनेगी कोर्स की, जिसमें मल्टीपल कोर्सेज जो है हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोर्सेज के पीछे जो है एक कोर्स के कितने सेमेस्टर्स बन सकते हैं, उस सेमेस्टर की भी टेबल बनेगी। यहाँ पर ब्रांच है, तो ब्रांच जो है वो फिक्स होगी कि इतनी ब्रांच है, ठीक है, इसमें ये कोर्सेज हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे ब्रांच जो है फिक्सेस होंगी। तो यहाँ पर जो होगी वो टेबल जो होगी, जो मॉडल्स होंगे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कि स्टूडेंट की एक अलग टेबल बनेगी, कोर्स की एक अलग टेबल बनेगी, सेमेस्टर की बनेगी, ब्रांच की बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोला कलेक्शन हो गया डाटा का, और जब हम लोग ऐड स्टूडेंट पर क्लिक कर देंगे तो ये डाटा जो है वो ऐड हो जाएगा स्टूडेंट वाइज। तो स्टूडेंट में इन सभी की आईडीज जो है वो लग जाएगी। इट इज़ ओके, सभी को समझ में आ गया ये बात। और जब मैं बनाऊंगा ये प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन प्लीज़, ये जो प्रोजेक्ट होगा ये भी आप लोगों को पेड ही मिलेगा। मैं आप लोगों को पहले कंफर्म कर देता हूँ, जो मेंबर होंगे टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल के, उन्हीं को ये प्रोजेक्ट जो है वो दिखाई देगा। तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कर दीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोग मेंबरशिप ले लीजिए टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल की, और डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये मॉडल पॉपअप पे कैसे दिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। नेक्स्ट में आप लोगों के पास है ऑनलाइन मार्क्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर जो टेबल है वो सेलेक्ट स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जा सकता है, सब्जेक्ट नेम कौन सा होगा, सब्जेक्ट कोड कौन सा होगा। तो सब्जेक्ट की भी एक अलग से टेबल बनेगी, जिसमें सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट कोड होंगे। थ्योरी आउट ऑफ 80 कितना है, प्रैक्टिकल आउट ऑफ 20 कितना है, ये मार्क्स जो है, मार्क्स की टेबल भी बनेगी। और जैसे ही ऐड रिकॉर्ड कर दिया जाएगा तो ये मार्क्स में आप लोगों के सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग जो हैं स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं उसमें टेबल में मैनेज कर सकते हैं, और उन्हें एक्शंस भी ले सकते हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर फैकल्टी होगी वो ही अपने स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो मैनेज कर सकता है। तो इस प्रकार का डाटा हम लोग मैनेज करेंगे, इस प्रकार का डाटा हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को। और जैसा कि मैंने कहा कि ज्वाइन बटन क्लिक करके ही आप लोग ये चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, लेकिन प्लीज़ ज्वाइन बटन क्लिक करके आप लोग ये सभी प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं आप लोगों को, आप लोग अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो वो सीखना आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि आप लोग ज्वाइन बटन करके मेंबरशिप ले सकते हैं चैनल की, और चैनल आप लोगों के लिए हमेशा काम करेगा। 200 रुपये आप लोग अगर नेटफ्लिक्स वगैरह में भी देते हैं तो प्लीज़ मेंबरशिप लीजिए, ताकि आप लोग एक अच्छे से टेक्नोलॉजी को सीख सकें, डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजी क्रीड़ा के माध्यम से आप लोग सीखेंगे तो बेहतर होगा। तो ये भी जो है एक अच्छी ही चीज़ है जो आप लोगों को करनी चाहिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप लीजिए। आप ज्वाइन बटन जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो आप लोगों को सिर्फ 199 रुपीज़ पे करने हैं, और आप लोगों को जो है सारी चीज़ें जो है प्रोजेक्ट्स जो है वो मिलते रहेंगे। और जो भी अगर आप लोगों को कुछ पढ़ना हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग पढ़िए, ताकि वो चीज़ ज़्यादा आप लोगों को समझ में आ सके। मैं यही कहूँगा दोस्तों कि
जो भी कुछ चीज पढ़नी है, जैसे मास्टर ASP.NET C# फंडामेंटल्स भाई ये पढ़ना है, फ्लुएंट API ट्यूटोरियल पढ़ने हैं, या ASP.NET कोर 6.0 ट्यूटोरियल्स पढ़ने हैं जिसमें शॉपिंग कार्ट का पूरा प्रोजेक्ट दिया गया फ्री में, वो भी आप लोग रीड कर सकते हैं। REST API कैसे पढ़ते हैं वो भी यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है आप लोगों को इसमें ही मिलेगा, लेकिन मेंबरशिप वालों को ही जो है वॉचेबल होगा, जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। तो ये सारा प्रोजेक्ट जो है आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है।